सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो फिर से बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल का अनाउंसमेंट कर दिए एंड भाई उनका सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। वो कुछ रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए जो कि मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। जैसे 20 मिनट के अंदर अंदर वो 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे, 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे एंड अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके चैनल पर हो चुके हैं 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड अभी तक उनका चैनल अनाउंस किया हुआ 24 घंटा हुआ भी नहीं है। वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए 12 घंटे के अंदर अंदर। इतना ही नहीं, उनको कल के ही दिन गोल्डन प्ले बटन भी मिल चुका है। शायद से यूट्यूब ने उनको पहले से ही भेज रखा था गोल्ड प्ले बटन ना, कि जब आप अनाउंस करोगे अपना चैनल तो हमें पता है आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो इजीली हो जाएंगे, तो इसलिए एडवांस में ही ले लो गोल्ड प्ले बटन। शायद से डायमंड प्ले बटन भी उनको मिल रखा है जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो वो अभी तक डाले नहीं है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूं, जैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना चैनल का अनाउंसमेंट करते हैं इसके बाद मिस्टर बीस्ट वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लाइव सब्सक्राइबर्स काउंट भी चालू हो चुका है। और एक और चीज जो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, मिस्टर बीस्ट जब अपना चैनल क्रिएट किए थे उसके बाद उनको 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने में 132 डेज लगे थे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लग गए सिर्फ 12 घंटे। और जो एक और चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात किया जा रहा है वो है लियोनेल मेसी का चैनल। यस, लियोनेल मेसी का बता दूं पहले से ही एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कल जैसे अनाउंस किया अपना चैनल, वो 2 घंटे बाद ही लियोनेल मेसी को बीट कर देते हैं। अब लेट्स सी आने वाले दिनों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिन में कितने सब्सक्राइबर्स करके बढ़ते हैं। अभी तो जस्ट उन्होंने अनाउंस किया तो उनके बहुत सारे कट्टर फैंस ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे। सोशल मीडिया पे इसी के बारे में भी बात किया जा रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 1-2 महीने 3 महीने बाद पता चलेगा रोनाल्डो का ग्रोथ कितना तेजी से होता है। बाकी क्या लगता है आप लोगों को? बहुत सारे लोग बता रहे कि वो मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर देंगे एक टाइम पे, मतलब बहुत जल्दी वो क्रॉस कर देंगे। और कुछ लोग बता रहे वो बहुत जल्द 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर देंगे। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बीकानेर की शेरनी एंड बीकानेर की गर्ल के बारे में। तो दोनों को ही रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट किया था, क्यों? एक रील बनाने की वजह से। उस रील में वो क्या कर रही होती है, अफीम खाती है। तो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं तो पुलिस को बीकानेर की शेरनी के घर से 200 ग्राम डोडा पोस्ट मिलता है। अब ये डोडा पोस्ट क्या है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद से नशा कुछ होता है इससे। तो इस मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था 2 जन को, बीकानेर की शेरनी एंड बीकानेर की गर्ल को, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। तो अभी क्या हुआ, बीकानेर की शेरनी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करती है जहाँ पे वो बताती है कि पुलिस जब उनको अरेस्ट करके लेके गई उनको बहुत पीटा गया, उनको वॉशरूम में ले जाके पीटा गया। और जो बताती है जो वो रील पोस्ट की थी अफीम खाते हुए, वो किसी ने उनको फोर्स किया था डालने के लिए एंड और भी बहुत कुछ वो बताती है, काफी ज्यादा रो रही होती है वो। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एजाज खान के बारे में। तो अभी बहुत सारे लोग मुंबई पुलिस को टैग करके बोल रहे हैं एजाज खान को अरेस्ट करो। तो होता कुछ ऐसा, यहाँ पे एक एडवोकेट है आशुतोष जे दुबे, वो एजाज खान का एक पुराना वीडियो को शेयर करते जहाँ पे वो आरएसएस को गाली दे रहे होते हैं। आरएसएस आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एजाज खान का वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, ये मेरा दोस्त है खालिद मामा, पटवाशिरी का किंग। ये बोलना चाह रहा आरएसएस की मामा नहीं बोले, नहीं वीडियो डिलीट मारो ना यार। तो इसी वीडियो को काफी सारे लोग शेयर करते हुए आरएसएस बीजेपी को टैग कर रहे हैं, ऑल्सो मुंबई पुलिस को भी टैग कर रहे हैं। ये ट्वीट भी काफी ज्यादा वायरल गया है, लेकिन अभी तक बता दो मुंबई पुलिस का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ईशान शर्मा के बारे में। आपको पता होगा ये फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज वगैरह बनाते हैं अपने चैनल पर, तो इनका हो गया भाई लफड़ा। बहुत सारे यूएसए के लोग एंड और भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग इनको हेट दे रहे हैं, ऑल्सो बहुत सारे इंडियंस भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, बेसिकली वो एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं टिपिंग इज सच अ स्कैम इन न्यूयॉर्क। जो टिप नहीं देते हम, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको वेटर का सर्विस अच्छा लगा, आपने टिप दे दिया, या फिर जोमेटो ब्लिंकिट स्विगी से आपने कुछ ऑर्डर किया, उनको टिप देने का मन किया, आपने दे दिया, वो अपने हिसाब से होता है। अगर आपको सर्विस अच्छा लगा तो आपने टिप दिया, नहीं लगा तो नहीं दिया। लेकिन यूएसए में थोड़ा अलग है सीन। वो लिखते हैं मैं वेटर्स को एक्स्ट्रा पे क्यों करूं, इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट्स पे मिनिमम आर्ली वेजेस। मैं न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में गया, वहां से मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करी जिसका प्राइस हुआ $45, इंडियन करेंसी में उसका प्राइस होता है ₹3,800। मैंने वेटर को $50 पे किए एंड बाकी $5 वो लेके चली गई। मैंने फिर बाकी पैसे मांगे तो उसने मुझे कहा तुम्हें टिप पे करना होता है, ये कह के वो चली गई। मैंने पूछा क्या टिप देना मैंडेटरी है, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया एंड मेरा दोस्त जो कि यहीं रहता है वो गिल्टी फील किया क्योंकि मैंने एटलीस्ट 20% टिप नहीं दिया। 20% किस लिए, इनसेन। तो नीचे बहुत सारे यूएसए के लोग कमेंट
कमेंट्स करने लग गए ना कि यूएसए में 15-20% टिप एक कस्टमरी सोशल कस्टम है और तुम्हें स्ट्रांगली फील होता है कि टिपिंग गलत है तो सिट डाउन रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर मत करो। एक जन लिखा, वेलकम टू अमेरिका, तुम गेस्ट हो यहाँ, हम यहाँ टिप देते हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ वापस। बेसिकली बहुत सारे यूएसए के लोग आके उनको कमेंट्स यही कर रहे हैं ना कि यूएसए में टिपिंग एक कल्चर है। इतना ही नहीं, बहुत सारे इंडियंस भी ईशांत शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूट्यूबर देशभक्त भी एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो ईशांत शर्मा के एक पॉडकास्ट का क्लिप को शेयर करते हैं जिसमें ईशांत शर्मा बता रहे होते हैं कि वो 35 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो देशभक्त लिखते हैं, हे ईशांत शर्मा, जब तुम क्लेम करते हो कि तुम 35 लाख रुपए महीना कमाते हो एंड सोशल मीडिया पे आके रो रहे हो कि मुझे यूएसए के एक रेस्टोरेंट में $5 टिप देना पड़ा, तो ये क्लियर है दैट समवन इज रनिंग ए स्कैम हियर। द वेटर वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिसेंट ऑनेस्ट लिविंग, व्हाट अबाउट यू। तो यही बेसिकली उनको काफी ज्यादा इसी की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जैसे कि मैं बताया, उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है यूएसए के लोगों की तरफ से एंड और भी अदर देशों के लोगों की तरफ से। इसके बाद एक जन ईशांत शर्मा के उसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हैं, इट्स सैड टू सी सो मेनी पीपल एट you for being Indian instead of addressing the matter objectively. You are allowed to question customs, whether you are American or not. तो उसका ईशांत शर्मा reply करता है, exactly. Interesting how it's easy to offend people here. तो चलिए next update के बारे में बात कर चुके हैं, MUA Bantay के बारे में। तो आपको पता होगा MUA Bantay काफी दिन पहले King Against में एक distract का announcement किए थे, लेकिन वो distract अभी तक वो release नहीं किए, बहुत late हो रहा है। इसके बारे में वो बताए, वो कहे, guys, मुझे पता है आप लोग मेरे next track का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, but honestly बताऊं तो जो country में situation चल रहा अभी वो सब कर मुझे वो ट्रैक डालने का मन नहीं है। मैं उस दिन का सपना देख रहा हूँ जिस दिन मैं उठूंगा एंड कोई भी से रिलेटेड न्यूज मुझे सुनने को नहीं मिलेगा देश में। फिर वो लिखते हैं, और जितने भी बंटाई की पब्लिक गाने के लिए रुके हैं उनको ये बोलूंगा, गाना तो बचकाने लोग के लिए 2 दिन में ही बना दिया था, बस देश के हालत की वजह से बाहर नहीं डाल रहा था, पर अब इंतजार होगा खत्म, मिलते हैं। तो इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, अभियान्यू के बारे में। तो अभियान्यू रिएक्ट करे सोशल मीडिया का नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी के ऊपर। अभियान्यू भी जब किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उनको भी कई बार ट्रोल किया जाता है, हेट दिया जाता है। तो वो कहते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस is just too negative, too toxic. Everyone is just out to raise, take down, shame, troll others on the internet. Just please be kind. You don't know what others are going through. Is that so hard to remember? तो चलिए next update के बारे में बात करेंगे, तीर्थ फरसाना versus YouTubers के बारे में। तो जब से थगेश, क्रेजी दीप, संडरे भी ने रोस्ट वीडियो निकाला है तीर्थ फरसाना के ऊपर, तब से क्या हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तीर्थ फरसाना को ट्रोल कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे हैं, उनको रोस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली लक्ष्य चौधरी भी 2 Instagram stories पोस्ट कर दिए थे तीर्थ फरसाना को ट्रोल करते हुए। आप देखिए, लूसिफर वाज इनोसेंट ब्रो, लूसिफर वाज इनोसेंट, समबडी हैड टू से लूसिफर वाज इनोसेंट। हाँ चल ठीक है, वो बाथरूम में गिल्ला कच्चा पड़ा, पहले वो सूखा, अब बाहर से 2 मैगी मसाला के पैकेट पकड़ गया। चल आ जा लूसिफर के, तुझे सेटन से मिलवाता हूँ, तुझे सेटन से मिलना था ना, सॉरी अकेले में मिलियो। तो ये सब चीजों के ऊपर रिएक्ट किए तीर्थ फरसाना, वो कहे, और कोई बचा है क्या, इट्स फनी वाचिंग द एंटायर इंटरनेट टर्न अगेंस्ट मी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, मनु भाकड़ के बारे में। तो मनु भाकड़ रिसेंटली एक इवेंट में गई थी जहाँ पे उनसे और उनकी माँ से जो जर्नलिस्ट है वो कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिसके बाद वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो इवेंट छोड़ के चली जाती है। यस, वो चेन्नई के एक इवेंट में गई थी जहाँ पे उनकी माँ भी गई थी एंड उस इवेंट में बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको सवाल वगैरह पूछ रहे थे जिसका वो सही से आंसर भी दे रही थी। बट इवेंट जब एंड होने वाला था, एक जर्नलिस्ट विनेश फोगट के बारे में पूछता है उनसे कि विनेश फोगट का जो जजमेंट था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। इससे पहले वो इस क्वेश्चन का आंसर देती, एक जर्नलिस्ट फिर मनु भाकड़ के मदर से पूछता है, रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुआ था आपका नीरज चोपड़ा का, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन सुन के मनु भाकड़ हो जाती है अनकंफर्टेबल एंड वो वहां से चली जाती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, श्रद्धा कपूर वर्सेस राजकुमार राव के पीआर एजेंसी के बारे में। क्या अभी राजकुमार राव के पीआर एजेंसी एंड श्रद्धा कपूर के पीआर एजेंसी के बीच में बैटल चल रहा है। आपको पता होगा स्त्री 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहे, काफी खतरनाक कलेक्शन कर रहे, 2024 का अब तक का बहुत बड़ा हिट मूवी बन चुका है भाई। तो अकॉर्डिंग टू अक्षय राठी जो कि एक फिल्म एग्जीबिटर है, राजकुमार राव के पीआर एजेंसी एंड श्रद्धा कपूर के पीआर एजेंसी के बीच में बैटल चल रहा है रिगार्डिंग हु शुड बी क्रेडिटेड फॉर पुलिंग इन द ऑडियंस। मतलब कि थिएटर में लोग ज्यादा करके राजकुमार राव को देखने जा रहे हैं या फिर श्रद्धा कपूर को, या फिर कौन से एक्टर के वजह से वो मूवी चल रहा है। जो फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी है वो कहते हैं, पिछले 10 दिन में जो हुआ है वो हंसने वाली बात है, और जो होता है राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर के पीआर एजेंसी के बीच में जो बैटल चल रहा है वो बहुत ही नॉनसेंस है। ऑल्सो अगर तो आपने स्त्री 2 मूवी देखा है तो आपको पता होगा एक कैरेक्टर सरकटा, तो वो अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रहे हैं। उनका नाम है सुनील कुमार एंड उनका हाइट कितना है, 7 feet 6 inches। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर उनके सामने कितने छोटे दिखते हैं आप देख सकते हो। सुनील कुमार को बता दूं, ग्रेट खल्ली ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। करंटली ये अभी कांस्टेबल है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, ये WWE ट्रायआउट 2019 में पार्टिसिपेट भी किए थे। और श्रद्धा कपूर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, इन्होंने क्रॉस कर दिया
किया पीएम मोदी को एंड ये बन गई थर्ड मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम। यस, पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा एंड इसके बाद है श्रद्धा कपूर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके श्रेयस अय्यर के बारे में। तो श्रेयस अय्यर का एक वीडियो वायरल जा रहा है। वीडियो बता दो, एक अवार्ड शो का है। श्रेयस अय्यर चेयर में बैठे हुए होते हैं, रोहित शर्मा आता है, इसके बाद श्रेयस अय्यर उठते हैं, रोहित शर्मा को बताते हैं आप मेरे चेयर में बैठ जाओ। यस, वो अपना सीट ऑफर करते हैं रोहित शर्मा को। इसके बाद रोहित शर्मा स्माइल करते हुए उनके सीट में बैठ जाते हैं। जो श्रेयस अय्यर है वो रोहित शर्मा के आगे बैठ जाते हैं। तो ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि भाई वो सीनियर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यार हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि अगर आप कुर्सी में बैठे हुए हो ना, आपसे कोई बड़े आ जाते हैं तो आपको उठना होता है, उनको बैठने देना होता है। ये घर में चलता है, रिलेटिव के घर में चलता है, बता दू, मेट्रो बस वगैरह में ये सब नहीं चलता। और सर श्रेयस अय्यर का बात करें तो बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो आपको बताओ कि ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, तो क्या वो सीएसके ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसा भी र्यूमर फैल रहा है। क्या होता है, ऋषभ पंत अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड में ऋषभ पंत ने एक साइड में रजनीकांत जी का फोटो एंड वो लिखते हैं थलाइवा। एंड ऐसा सिमिलर पोस्ट एमएस धोनी 2016 में किए थे। तो ये भी काफी ज्यादा र्यूमर फैल रहा है कि ऋषभ पंत जो है सीएसके ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बिहार गया के एक साल के बच्चे के बारे में, जो एलिजेंटली एक सांप को काट देता है एंड वो सांप मर जाता है। यस, वो एक साल के बच्चे की माँ बताई, वो जो बच्चा वो खेल रहा था एंड उसी टाइम एक सांप आ जाता है एंड वो सांप को खिलौना समझ के पकड़ता है एंड उसको काट देता है, जिसके बाद वो सांप मर जाता है। एंड इसके बाद वो बच्चे को तुरंत से हॉस्पिटल ले लिया जाता है एंड डॉक्टर्स बताते कि जो बच्चा वो फिजिकली फाइन है। वो जो सांप था ना जो बच्चे ने काटा, वो जहरीला सांप नहीं था, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके स्टारबक्स के नए सीईओ के बारे में, जिनका नाम है ब्रायन निकॉल। तो ये रहते हैं कैलिफोर्निया में। जो स्टारबक्स का हेडक्वार्टर है वो है सियाटल में। कैलिफोर्निया से सियाटल का डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर। तो ये अपने घर से स्टारबक्स के ऑफिस हफ्ते में 3 बार जाएंगे अपने प्राइवेट जेट से। यस, वो सीईओ बनने के बाद भी सियाटल में नहीं रहेंगे, वो अपने घर से ही ट्रैवल करेंगे 1600 किलोमीटर अपने प्राइवेट जेट में। उनको जब कहा गया कि आप इतना दूर क्यों ट्रैवल करेंगे, आप सियाटल में रह जाओ ऑफिस के सामने, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं घर से दूर नहीं रहूंगा। तो इसलिए उनको ट्रैवल करने के लिए कंपनी ने प्राइवेट जेट दे दिया। खतरनाक भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक वीडियो के बारे में जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। उस वीडियो में हमें मल्टीपल देखने को मिलता है सेम लोकेशन में। यस, वो जो वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज रहता है, ठीक है, राजस्थान के भुटिया गांव के सामने का। उस वीडियो में उसी लोकेशन में अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2024 के बीच में जितने हुए वो सब दिखाया गया। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बकरी आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, इन्हीं सब रीजन के ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये देख के काफी सारे लोग हैरान है कि एक ही लोकेशन में 2 साल के अंदर अंदर इतने सारे कैसे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।